हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ग्लू बॉक्स कंट्रोल के बारे में बताने जा रहा हूँ। सी सॉफ्टवेयर विंडोज एप्लीकेशन में तो यहाँ पे टूल बॉक्स में चलिए, यहाँ पे आप ग्लू बॉक्स देखिए, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके बारे में दिया गया डिस्प्ले फ्रेम अराउंड ग्रुप ऑफ कंट्रोल विद इन ऑप्शनल कैप्शन, इस तरह का। इसके अंदर आप इस फ्रेम के अंदर आप बहुत सारा कंट्रोल डाल सकते हैं। चलिए इसके सबसे पहले साइज को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से ड्रैग करके आप साइज बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप बहुत सारा कंट्रोल ऐड कर सकते हैं। चलिए दो चार कंट्रोल ऐड करके दिखाते हैं। यहाँ पे लेबल कंट्रोल इसको डाल दिए। अगर आपके लेबल कंट्रोल का टेक्स्ट अगर चेंज करना है तो कर सकते हैं। तो अब चलिए यहाँ पे लिख रहे हैं हाय फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लेबल कंट्रोल का टेक्स्ट चेंज हो गया। उसके बाद अगर आपको चाहिए यहाँ पे कोई और कंट्रोल, जैसे बटन कंट्रोल ही चाहिए, तो आप बटन कंट्रोल यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। आप रेडियो बटन चाहें तो रेडियो बटन ट्रैक कर सकते हैं। और आपको कोई और जैसे पिक्चर बॉक्स भी कंट्रोल चाहिए तो यहाँ पे पिक्चर बॉक्स भी डाल सकते हैं। तो इस तरह का है। यहाँ पे डेट टाइम फिगर चाहिए तो ये भी डाल सकते हैं। इसके ग्रुप बॉक्स के अंदर इतना सा कंट्रोल आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चलिए एक एक करके यहाँ पे प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए विजुअल ट्रू है, ठीक है। अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूट करने के बाद जो जो जितना भी कंट्रोल ग्रुप बॉक्स के अंदर है सब दिख रहा है। अगर यहाँ पे आप विजुअल को फॉल्स कर देते हैं, चलिए इसको हम फॉल्स कर दें तो कोई कंट्रोल यहाँ पे दिखेगा नहीं। ये देखिए यहाँ पे विजुअल को मैंने फॉल्स किया कि नहीं किया। चलिए सबसे पहले इसको स्टॉप कर लें। फिर यहाँ पे विजुअल अभी भी ट्रू है। तो एक ग्रुप बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे विजुअल को फॉल्स करते हैं, उसके बाद सेव करते हैं। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कोई भी कंट्रोल ग्रुप बॉक्स के अंदर था वो नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको विजुअल को यहाँ पे ट्रू रहने देना पड़ेगा, फॉल्स कीजिएगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रॉपर्टी है यूज वेट कर्सर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वेट कर्सर मतलब कर्सर को यहाँ पे ले जाते हैं तो वेटिंग का जो जो आई मतलब जो सी इंडिकेटर है वो दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे चलिए ये इस पे हम और ट्रू कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम सेव कर दिए, फिर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए अभी कर्सर यहाँ पे फॉर्म पे है, जैसे यहाँ पे गए तो यहाँ वेटिंग का जो इंडिकेटर है यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह का ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रॉपर्टी यहाँ पे ग्लो बॉक्स का टेक्स्ट है। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रुप बॉक्स वन है, यहाँ पे हम चेंज कर दें और ग्रुप बॉक्स का टेक्स्ट हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए हेलो यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे साइज आप बढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ पे साइज 448 है, 371 है। यहाँ पे देखिए और 574 हो गया। उसके बाद राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम यस करेंगे तो राइट साइड में चला गया। उसके बाद यहाँ पे अगला मैक्सिमम साइज यहाँ पे तो 574 है। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम साइज अगर हम 600 और यहाँ पे 600 डाल दिए, यहाँ पे आप मैक्सिमम 600 तक ही ले जा सकते हैं। यहाँ देखिए इसके बाद ये पढ़ नहीं रहा, तो ये मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज को भी इसी तरह से आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको इसको लॉक करना है तो यहाँ पे ट्रू कर दीजिए तो ये लॉक हो जाएगा, फिर आप कहीं भी इसको हटा बना नहीं सकते हैं। चलिए इसको हम पॉज कर दें पहले लॉक के ऑप्शन को, उसके बाद यहाँ पे सेव कर देते हैं। जो जो है लोकेशन को आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम दे देते हैं 1:1। ये देखिए लोकेशन यहाँ पे चेंज हो गया। फिर यहाँ पे चलिए फॉर्म को थोड़ा बढ़ा दें साइज को, तो वो था लोकेशन के बारे में। ओके बाद उसके बाद यहाँ पे अगला प्रॉपर्टी है यहाँ पे, और यहाँ पे लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको लैंग्वेज अच्छा लगता है, जैसे रीडो है, बहुत सारा है, इंग्लिश है जो आपको अच्छा है यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर्म सेलेक्टेड है, ग्रुप बॉक्स में लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं है, ग्रुप बॉक्स में यहाँ पे लॉक कर दिया। इसके बाद लोकेशन है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉन्ट कलर,
फॉन्ट चेंज करना है तो आप कर सकते हैं चेंज, यहाँ पे 12 दे दिए, क्या दे दिए जो आप देखिए, फॉन्ट ये बढ़ गया। उसके बाद ये फॉन्ट कलर है, फॉन्ट कलर का ऑप्शन ये देखिए इस तरह का कलर है। चलिए एक्टिव ये कर दिए, ये तो अच्छे से दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा डीप एक्टिव कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह कलर तो सब दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे लेते हैं फॉर्म में, ये इमेज है इसको हम लेते हैं। तो ये देखिए इमेज यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लेआउट है, तो यहाँ पे आप कहीं भी डाल सकते हैं, सेंटर चाहिए सेंटर डाल सकते हैं, जूम चाहिए जूम कर सकते हैं, और जितना आपको अच्छा लगे जो प्रॉपर्टी आप अच्छा यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी है, आप बैकग्राउंड कलर देखिए, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर और सही से विजुअल नहीं हो रहा, ऐसा करते हैं इस फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं, साइज को बढ़ा देते हैं, या देखिए बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ये है। उसके बाद इस तरह का प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे ग्रुप है उसका नाम, ठीक है। तो यहाँ पे GRP कर दें इसका नाम, ये नाम हो जाएगा ग्रुप बॉक्स का। अगर यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है, और ग्रुप बॉक्स में तो यहाँ देखिए GRP यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे इसका इंग्लिश एंगुलर मैंने सेट किया था यहाँ पे। तो इस तरह का इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ग्रुप बॉक्स में, और जो आप यूज कर सकते हैं। ग्रुप बॉक्स के अंदर बहुत सारा कंट्रोल आप डाल सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा कंट्रोल है विंडोज एप्लीकेशन में। तो आप ये कंट्रोल यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे करके चेक कीजिए, अगर आपको कोई इससे प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए, जरूर ट्राई करूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ये वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।